Okay, so today's session is basically based on the digital forensic evidence, that is how to acquire the image file if you are going in a crime scene and you will get any type of evidence, that is a storage device. Okay, किसी भी टाइप का अगर आपको स्टोरेज डिवाइस मिलता है वहां पे, that will be like a हेलो शुभमन जी, हाँ जी, हाय सर। हाँ उसके साथ की क्या क्या हमें करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको इस समय नहीं रीड करके बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सीधे मैं प्रैक्टिकल के ऊपर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। श्योर सर, ओके फिर सर। वो प्रैक्टिकल पार्ट करके आप एक बार इसको रीड करोगे ना तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। ओके सर। बढ़िया। तो इसके लिए दो समय एक टूल चाहिए जिसका हम टूल का यूज़ करने वाले हैं, FTK इमेजर टूल। एक FTK इमेजर टूल का हम यूज़ करेंगे तो मैं अपनी एक अनदर मशीन को आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। तब तक देख लेते हैं, ऑन हो जाए तब तक। क्रिएटिंग अ डिस्क फाइल फॉर, हमारे पास ना स्टेप्स होते हैं इसको करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है क्रिएट अ डिस्क इमेज फाइल ऑफ अ टारगेट, इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। जब भी हमें कोई इन्वेस्टिगेशन हम करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले जो भी एविडेंस मिलता है या जो भी हमें डिस्क मिलती है हमें उसके क्या करने होते हैं, क्लोन्स बनाने होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम उसका क्या करते हैं, क्लोन डिजाइन करते हैं, है ना, इमेज क्रिएट करते हैं उसकी। इन एनी इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस इज नॉट डन ऑन द ओरिजिनल डेटा स्टोरेज डिवाइस, कभी भी किसी ओरिजिनल के ऊपर नहीं करी जाती, यानी टारगेटेड वो हमारा नहीं होता है, बट इंस्टेड ऑन द एग्जैक्ट कॉपी टेकन। बट हम क्या करते हैं उसके प्लेस पर, हम ओरिजिनल पे ना करके उसकी जो एक कॉपी फाइल होती है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करते हैं, टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस प्रोसेस स्टार्ट करती है। ए डिस्क इमेज इज डिफाइंड एज अ कंप्यूटर फाइल दैट कंटेन्स द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटा स्टोरेज डिवाइस सच एज ए हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव, मोबाइल फोन्स या फिर टैबलेट, रैम, यूएसबी। द डिस्क इमेज कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटा स्टोरेज सर्विस डिवाइसेज एज वेल एज द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रेप्लीकेट द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट लेआउट ऑफ द डिवाइस। देखो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई भी डिस्क इमेज लेते हैं उसको कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उस डिवाइस पे कौन कौन से, लाइक जैसे कि सीडी हो गई, डीवीडी हो गई आपकी, या फिर आपके हार्ड ड्राइव हो गई, फोन टैबलेट के डिवाइसेस हो गए, यूएसबी हो गई, रैम हो गई, इन सबको हम क्या करते हैं, इनका क्लोन डिजाइन या फिर इनकी डिस्क इमेजेस हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये जो डिस्क इमेजेस हैं कंप्लीट एक रेप्लिकेटिंग फाइल होती है, कंप्लीट एक रेप्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है ओरिजिनल डिस्क का, जिसमें हम सेम लेआउट उस पर्टिकुलर डिवाइस का क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। दिस डिफर फ्रॉम ए नॉर्मल बैकअप इज इन दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जैक्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट विच इज पिवोटल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अच्छा इसमें क्या होता है, लाइक अगर हम केवल एक वो लेते हैं, बैकअप लेते हैं, तो बैकअप फाइल्स में क्या होता है, कभी भी एग्जैक्ट जितना भी उसके अंदर डेटा है वो हमें नहीं मिलता है, मतलब एग्जैक्टली उसकी क्लोन नहीं बन के रेडी होती है, कुछ ना कुछ डेटा हमारा ऐसा होता है जो कि लॉस्ट हो जाता है ना। जो हमारे जैसे टेम्प फाइल्स हैं, इस टाइप की जितना भी डेटा है वो क्या होता है वहाँ पे बैकअप में नहीं लेता है वो।
बट स्टिल अगर आप इसके प्लेसेस पे अपना क्या करते हो, क्लोनिंग करते हो या इमेजिंग करते हो, तो उस केस में ये आपको फुल्ली, यानी कि आपका वहाँ पे क्या होता है कि हम ए टू जेड जितना भी उसके अंदर डेटा है, चाहे वो वॉलेटाइल है चाहे वो अनवॉलेटाइल है, हर चीज आपको वहाँ पे क्या मिलती है, एग्जैक्टली सेम मिल जाती है। ठीक है, तो वो हम किसके अंदर करेंगे, इसी के अंदर, यानी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। सो एनी इमेज हैज, एनी इमेज मे बी टेकन लोकली और रिमोटली। हम किसी भी इमेज को बना सकते हैं, लोकल कनेक्शन पे भी बना सकते हैं और रिमोटली भी डिजाइन कर सकते हैं। इन द केस डिस्क इज, इन द केस दैट इज दैट अ डिस्क इमेज इज टेकन लोकली, ओके, द डेटा स्टोरेज टारगेट इज फिजिकल अवेलेबल सच एज अ यूएसबी की और ए हार्ड ड्राइव ऑन एक्वायर्ड मशीन। इन द केस ऑफ रिमोट एग्जीक्यूशन acquisition, the target storage device is not present. अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे कि हम रिमोट एग्जीक्यूशन ले रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें टारगेट का डिवाइस जो है, जो हमारा बेसिकली जिसका हमें क्लोन करना है, वो कई बार ना हमें विजिबल नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेफरेबल आइटम क्या है हमारे लिए, ज़्यादा प्रेफरेबल हमारे लिए रिसोर्सेज क्या है कि हम उसको लोकली बनाएं। ठीक है, क्लियर? यस, ओके। सो इसके लिए हम अपना एफ टी के इमेजर टूल का यूज करने वाले हैं। ये क्या करेगा, आपकी इमेज का कंप्लीट एक क्लोन बना के रेडी करके देगा। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है, तो बता देता हूँ कहाँ से आपको मिलेगा, बाकी आप गूगल पे नॉर्मली डाल के भी सर्च कर सकते हो। जस्ट एक मिनट रुकना, मीटिंग आई डी में डाल के जरा कनेक्ट कर लूँ उसे। या सो मैंने यहाँ पे अपने डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर लिया है। ठीक है, बढ़िया। सो अब आपको करना क्या है, हमें टूल चाहिए, तो टूल पे चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ दिख रही है सर। बढ़िया, जस्ट यहाँ पे जाके आप सर्च कर देना क्या है आपका एफ टी के, इमेजर डाउनलोड। ठीक है, सो आप यहाँ पे डालोगे, ये आपको लिंक देगा, ये वाला है एक्सेस डेटा वाला। ठीक है, प्रोडक्ट है ये इसका, यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने पे आपसे बोलेगा डाउनलोड ऑप्शन, आप डाउनलोड पे जाओगे, आपसे बोलेगा साइन इन करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे साइन इन को कंप्लीट करोगे, उसके बाद क्या होगा, आपको एक लिंक भेजेगा आपके ईमेल एड्रेस पे, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, ओके ओके। जब डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद आपको इस तरीके का एप्लीकेशन मिलेगा, डेट इज़ ए एफ टी के इमेजर। आपको इसे ओपन कर लेना है, जस्ट लॉन्च कर लो यस करके। दिस इज़ द यू आई ऑफ एफ टी के इमेजर, पूरा आपको यू आई सेक्शन मिल रहा है। इसमें प्रोसेस कैसे कैसे करनी है, ये प्रोसेस मैंने नोट्स में लिख रखी है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ और आप उस प्रोसेस को वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, सबसे पहला हमारे पास स्टेप है, जस्ट गो टू द फाइल एंड क्लिक टू क्रिएट डिस्क इमेज। ठीक है, गो टू द फाइल सेक्शन एंड क्रिएट टू डिस्क इमेज। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फिजिकल ड्राइव है, लॉजिकल ड्राइव है, इमेज फाइल है, किसकी आपको बनानी है ना। तो हमारे पास क्या है, अगर आपके पास कोई फिजिकल ड्राइव आपने कनेक्ट कर रखी है तो आप उसकी ले सकते हो, इमेज फाइल है तो आप उसकी ले सकते हो, कोई फोल्डर्स हैं स्पेसिफिक तो आप उसकी ले सकते हो, या फिर डीवीडी सीवीडी ड्राइव्स हैं तो आप उसकी ले सकते हो। हमारे पास क्या है, अभी एक लॉजिकल ड्राइव है। ठीक है, तो मैं इस समय क्या ले रहा हूँ, लॉजिकल ले रहा हूँ। अगर आप कोई फिजिकल ड्राइव आपने कनेक्ट करी है वहाँ पे पेन ड्राइव रिलेटेड समथिंग, तो आप उसको क्या करो, फिजिकल ड्राइव को सिलेक्ट करना। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। ठीक है ठीक है, तो आपको लॉजिकल ड्राइव लेनी है, ओके करना है। अब आपसे पूछ रहा है सोर्स ड्राइव सिलेक्शन, आपका सोर्स ड्राइव क्या है, किसका आपको बनाना है क्लोन, तो आप उसको सिलेक्ट करो। मैंने यहाँ पे दो ड्राइव बना रखी है, एक सी है
और एक आपकी न्यू ड्राइव बनाई है डी नाम की, ठीक है। तो मैं लेता हूँ सोर्स मेरी क्या है डी को, मुझे डी का क्या करना है क्लोन बनाना है, ठीक है। ओके डी को मैंने सेलेक्ट किया, फिनिश किया। अब कह रहा है सोर्स डी है, अब कह रहा है इमेज डेस्टिनेशन बताओ। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इमेज डेस्टिनेशन पे, किस टाइप का आपको इमेज डेस्टिनेशन चाहिए, पूरा डी डी फॉर्मेट में चाहिए, रॉ जैसा है वैसा बना के दे, या स्मार्ट फॉर्मेट में चाहिए, या फिर आपको अपने रजिस्टर फॉर्मेट में चाहिए, किस तरीके चाहिए। तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि मेरा जो इमेज डेस्टिनेशन है वो रॉ डी डी फॉर्मेट में बना के दो, ठीक है, जैसा है एज इट इज वैसा, जितना ब्लैंक है उतना ब्लैंक भी रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। अब कह रहा है केस नंबर, अच्छा ये केस स्टडी है तो मैं केस नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, लेटर सपोर्ट टू। एविडेंस नंबर, जो एविडेंस नंबर है इस केस नंबर टू के अंदर कौन सा एविडेंस है, तो लेटर सपोज दिस इज द एविडेंस ऑफ फाइव। यूनिट डिस्क्रिप्शन, आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो लिख दो, टेस्ट नंबर फाइव या टेस्ट 1 2 3 4। एग्जामिनर किसने बनाया है तो आप उसका नाम लिखो। तो मैंने एग्जामिनर जो इसको एग्जामिन कर रहा है मैंने अपना नाम दे दिया। नोट्स, अगर आप कोई स्पेसिफिक नोट देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज नॉट एन इशू, आप रहन दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि डिस्क इमेजिंग, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आपसे पूछता है डेस्टिनेशन फोल्डर कहाँ पे बनाना है, तो मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से डेस्टिनेशन फोल्डर सेट कर देता हूँ। तो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग माई सी ड्राइव, क्योंकि डी तो है ही, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं, मेकअप फोल्डर, जिसको मैं नाम देता हूँ डी इमेज, ठीक है, मैंने नाम दिया डी इमेज और इसको ओके कर दिया। तो मेरा डेस्टिनेशन फोल्डर सिलेक्ट हो गया है। अब आपको क्या देना है, यहाँ पे फाइल का नाम देना है, किसके लिए कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, इंक्लूडिंग एक्सटेंशंस आप दे सकते हो वहाँ पे। तो मैं उसका फाइल नेम दे देता हूँ, दैट इज अ थैंक्स बोल देते हैं इसे नॉर्मली, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, डजन आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मैंने नॉर्मली वैसे यहाँ पे थैंक्स लिख दिया है, ठीक है। बाकी फ्रेगमेंट 500 1500 के, यानी जो ये बनाएगा ना ये इतने इतने एम बी के बनाएगा, ठीक है। जो सेगमेंट्स बना के आपके रेडी करेगा, जो भी आपके पूरे डिस्क की फाइल निकलेगी वो 1500-1500 MB की निकलेगी, ठीक है। आप चाहो तो इसे बढ़ा के एक एक में भी निकाल सकते हो, लाइक आपको पूरा चाहिए, मेरी वो 20 GB की है तो मैं यहाँ पे पूरा 20 GB भी दे सकता हूँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट है फेज, आपके पास फिनिश आपको क्लिक करना है। फिनिश करते ही क्या करेगा, यहाँ पे फिनिश करने के बाद, अच्छा अगर कोई ओवरफ्लो लोकेशन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अच्छा इसमें एक चीज आपको करना है, वेरीफाई इमेज आफ्टर दे आर क्रिएटेड, जो इमेजेस बनी है उन्हें वेरीफाई जो कर लेना। अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे तो हो सकता है कि इमेज की प्रॉपर फॉर्मेट ना रेडी हो, ठीक है। सो हमें उसे क्या करना है, वेरीफाई को क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट में हमें क्लिक करना है स्टार्ट पर। आप जैसे ही स्टार्ट करोगे ये प्रोसेस यहाँ पे देखो स्टार्ट हो गई है, टाइम दिखा रहा है और लेफ्ट टाइम यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल जितना बचेगा उतना दिखाएगा, क्लियर। तो अगर अब मैं जाता हूँ अपने मेन उसके ऊपर और यहाँ पे जाके फाइल सेक्शन में सी को ओपन करता हूँ और यहाँ पे डी इमेज ओपन करता हूँ, देखो एक थैंक्स नाम से वो बन गया फोल्डर, जिप फाइल आपकी, इसके अंदर आपका पूरा जितना भी डेटा है वो आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पे और भी फाइल्स यहाँ पे रेडी होंगी जो txt फाइल्स होंगी। किस तरीके की फाइल्स होंगी आपको दिखाता हूँ, जैसे इमेज डिस्क मैंने बना रखी है ये थैंक्स D001, ठीक है, ये क्या है txt फाइल है जो वहाँ से मुझे मिली थी। ये कई सारी फाइल्स होंगी आपके उसके अंदर, 20 GB का है तो कई सारी 1500-1500 MB की कई सारी फाइल्स का txt फाइल बना के देगा। तो मैंने सारी तो नहीं यहाँ पे रखी, बट स्टिल एक बचा के रखी थी ताकि आपको देख सको आप, ठीक है। तो थैंक्स D001 को ओपन करोगे। अब देखो इस प्रोसेस में जो हमने कर रहे हैं वहाँ पे अमेजिंग, इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है, इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है। तो इस पार्ट को स्किप करते हुए मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ कि आपको जब फाइल मिलती है तो उसके अंदर आप कैसे पता करते हो कि हुआ है कि नहीं है। तो देखो नोटिस द इमेजिंग ऑपरेशन वॉज कैंसिल, क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया था लास्ट टाइम पर, किया होगा कभी, ठीक है। दिस इमेज इज कम्प्लीट, दिस इमेज इज कम्प्लीट क्रिएटेड बाई, इसके थ्रू है क्योंकि मैंने शायद वहाँ पे एग्जामिनर का नाम देखो नहीं दे रखा है। यूनिक में टेस्ट 1 दे रखा है, केस 1 दे रखा है, केस 1 दे रखा है और एक्वायर्ड ये दे रखा है, नोट्स में कुछ नहीं डाला।
कहाँ पे डिस्क इमेज बनी थी उसकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है, टाइप बता रहा है, लॉजिकल टाइप का है, ठीक है, बाइट्स पर सेक्टर दिखा रहा है कितने हुए, सेक्टर काउंट्स बता रहा है कितने हैं, रिमूवेबल ड्राइव फॉल्स नहीं निकाली गई थी, ठीक है, और ये उसका टोटल काउंट्स थे, ठीक है, और यहाँ पे आप ये देखो MD5 चेकसम है ना, इसके बेसिस पे ओरिजिनल एंड जो कॉपीड फाइल है उसको आप सबमिट करते हो इन चेकसम्स को, ये जो हैशेज हैं इन्हीं को आप सबमिट करोगे किसके पास, अपने रिपोर्ट फाइल के साथ कोर्ट में, जब इन्हीं हैशेज को मैच किया जाएगा तभी आपका जो क्लोन है वो आपके एविडेंस से मैच होगा, ठीक है, क्योंकि हम वहां पे एविडेंस शो करते हैं तो एविडेंस वो तभी दिखाई देगा जब आप क्या करोगे इसको अपने जो हैशेज हैं उनको वहां पे रिपोर्ट फाइल में सेव करके या शो करके सबमिट करोगे, ठीक है, okay. तो देखो यहाँ पे कितनी सारी फाइल्स बनी थी, टाइम दिखा रहा है कब हुआ था, कब किया गया था, और ये सारी फाइल्स थी जो यहाँ पे क्या हुई थी, क्रिएट हुई थी इमेज डिस्क 76 तक हुआ था, मैंने उसके बाद इसको बंद कर दिया था, ठीक है, okay. तो 1500 MB के यहाँ पे फाइल्स को इसने क्रिएट किया था, क्लियर, क्लियर सर, सो दिस इज द प्रोसीजर टू क्रिएट द पर्टिकुलर डिस्क इमेज, कि आप किसी भी डिस्क का इमेज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट ओके तो ये चीज समझ में आई शुभ्रमण्यम जी कैसे बनाते हैं डिस्क इमेज, बहुत इनिशियल प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया है, इसके आगे जब मैं हम लैब सेटअप करेंगे ना तो मैं उसमें आपको और भी प्रोसीजर्स बताऊंगा जिसके तो आप अनदर टूल की हेल्प से भी डिस्क इमेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, क्लोन्स भी बना सकते हो, इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ठीक, तो अब जैसे कि मैं वहां पे जाके देखूं तो देख लो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, लेट अस सपोज आई एम, अच्छा उस वाले फोल्डर में चल के देखते हैं कुछ क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, तो पीछे जाते हैं सी के अंदर डी इमेजेस, देखो क्रिएट होने लगे, थैंक्स वन थैंक्स टू थैंक्स थ्री दिख रहा है ना, 0 0 2 0 0 3, अब मैं अगर इसे कैंसिल कर दूंगा ना रिपोर्ट में वही लिख के आएगा, तो आप कैंसिल मत करना, मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, आप उसको बना के देख, आप एक काम करना अपनी एक इमेज फाइल लेना, मतलब अपनी एक कोई डिस्क लेना जिसको श्रिंक करके लगभग 1 GB या 2 GB के अलग कर लेना, ठीक है, और फिर उसके ऊपर इसको अप्लाई करना, ठीक है, देखो मैंने इसे क्लोज किया तो यहाँ पे इसने फाइल बना के रेडी करी है 01, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कैंसिल दिस इमेज इज इनकम्प्लीट, ठीक है, इसके थ्रू बनाई गई, नंबर 2 केस है, एविडेंस नंबर 5 है, यूनिक एड्रेस टेस्ट 5 है, नाम मेरा आ रहा है, एंड नोट्स डिस्क इमेजिंग, ये दिया था हमने सारा कुछ, awesome. है ना, कहाँ पे सेव हुई है वो दिखा रहा है, कितने सेक्टर्स गए वो दिखा रहा है, कितना डेटा काउंट हुआ वो दिखा रहा है, प्लस हैशेस फॉर्मेट आपको दिखा रहा है, टाइमिंग दिखा रहा है, और कितने इसने सेगमेंट्स क्रिएट करे वो सेगमेंट शो कर रहा है, ठीक है, टाइमिंग awesome. भी शो कर रहा है, क्लियर, क्लियर, सो दिस इज द वे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है, तो अब एक बार नोट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, सो अगर आप नोट्स देखोगे तो वही है, लॉन्च करना है सबसे पहले, फिर क्या करना है, क्लिक करके क्रिएट इमेजेस पे क्लिक करना है, फाइल सेक्शन के अंदर जाके डिस्क को ओपन करना है क्रिएट अ न्यू डिस्क के साथ, और मेमोरी सिलेक्ट करनी है किस टाइप की है आपकी, ठीक है, फिर उसके बाद DVD CD जो टाइप की, लॉजिकल यूनिट हमने सेलेक्ट करी थी बिकॉज हम क्या कर रहे थे लॉजिकल ड्राइव में थे, स्टेप्स कैसे कैसे करना है वो आपको यहाँ पे मैंने शो कर रखी है सारी स्टेप्स, ठीक है, ठीक, तो अलग अलग ड्राइव्स के अकॉर्डिंग अलग अलग आप सेट कर सकते हो यहाँ पर, और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, अच्छा ये देखो फाइल्स थी जो हमें मिल रही थी, है ना, ठीक, कंक्लूजन क्या है, एट द एंड एट दिस पॉइंट द डिस्क इमेज हैज बीन क्रिएटेड, द एसेंशियल फॉर द एनालाइजिंग द कंटेंट विदाउट टचिंग द ओरिजिनल ड्राइव इज इन अ फॉलोइंग बेस ऑफ दिस वी विल कवर द फॉलोइंग कंटेंट ऑफ द डिस्क इमेज,
The disk image is completely intact to the untouched at this point. It's imperative that the hashes is be recorded and kept for the reference, as they must be rechecked during the course of your investigation. So हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हैशेज हैं इनको भी हम आगे चल के चेक करेंगे, ठीक है? ये हमारे लिए क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ इसका, ठीक है? सो मैं आपको ये फाइल दे देता हूँ, आप इस फाइल को अच्छे से पढ़ लेना, इसकी प्रैक्टिस करना, देन वी विल कनेक्ट एट टुमारो, नया टॉपिक लेके आएंगे जिसके थ्रू हम नए किसी भी पर्टिकुलर चीज का क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर, श्योर सर, ओके, जस्ट वेट अ मिनट. अपनी चैट बॉक्स आप चेक कर लो. हाँ सर, मिल गई सर. मिल गई ना? मिल गई सर. ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू एट टुमारो एट द सेम टाइम 5 o'clock. ओके ओके सर, ओके जी, बाय बाय.